वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने कोटी को पहले से ही बना लिया है, अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में हमारा ये फर्स्ट होल है, इसमें चार बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार। और अब सेकंड होल छोड़कर थर्ड होल में फिर से चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से एक होल छोड़ देंगे और नेक्स्ट होल में चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हम इसे लास्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन करेंगे। हमने चार बार जहाँ पर डबल क्रोशे किया था, अब वहाँ सेंटर में, यानी दो इस साइड सेंटर में छह बार डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी सेंटर में छह बार डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर स्लिप स्टिच, पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट करनी है। इसे लास्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम ब्लू कलर का धागा लेंगे। और तीन चैन बनाएंगे। एक दो तीन। और यहाँ पर सेंटर में एक दो तीन साइड हो गए, तीन साइड सेंटर में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से तीन चैन, एक दो तीन। फिर से सेंटर में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से तीन चैन, एक दो तीन। और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, एक दो तीन, सेंटर में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह हम आउटलाइन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन के लिए पहले चैन बनाएंगे, ड्रेस को उल्टा कर लेंगे,
तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। स्लिप स्टिच कर लेंगे। सेंटर से लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसे एक दो तीन यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे, एक दो तीन सेंटर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक दो तीन पूरी लाइन ऐसे कर लेंगे तो हमारे यहाँ से ये तो हमारी आउटलाइन है और ये हमारे होल बन गए। एक दो तीन चार पाँच ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, होल बनाते चले जाएंगे। अब ये पीछे जो होल बने हैं हम हर एक होल में चार चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चार, अब चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चार और यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। अब फिर से नेक्स्ट होल में चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। हम इस तरह आउटलाइन कर लेंगे सेकंड लाइन में भी। अब हम पीछे होल बनाएंगे, जैसे हमने पहले लाइन में पीछे होल बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। इस बार चार चैन लेंगे, सेंटर में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। चार चैन लेंगे, फिर से सेंटर में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम वाइट धागा लेंगे और जो हमने पीछे होल बनाए हैं हर एक होल में पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चार पाँच, नेक्स्ट होल में भी पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चार
5। और यहाँ से लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। अब फिर से नेक्स्ट होल में 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। मैंने थर्ड लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम आउटलाइन करेंगे और आउटलाइन करने के लिए हमें 5 बार चैन बनाकर सेंटर से स्लिप स्टिच करना होगा और फिर हम पीछे होल बनाएंगे। पीछे होल बनाने के लिए भी हमें 5 बार चैन लेकर स्लिप स्टिच करना पड़ेगा सेंटर से, तो हमारे होल तैयार हो जाएंगे। हम 6 लेंथ तक सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमारी एक एक चैन बढ़ती चली जाएगी। मैंने पूरी 6 लेंथ तक कंप्लीट कर लिया है। हमने पहली लाइन में आउटलाइन के लिए 3 चैन लेकर स्लिप स्टिच किया है और सेकंड लाइन में आउटलाइन के लिए 4 चैन लेकर स्लिप स्टिच किया है। इसी तरह हमने एक एक चैन बढ़ाते हुए सभी लाइनों में आउटलाइन की है और हमने जो पीछे होल बनाए हैं वो भी हमने एक एक चैन बढ़ाते हुए ही बनाए हैं। पहली लाइन में हमने यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया किया था। सेकंड लाइन में हमने हर एक होल में से 4 बार डबल क्रोशिया किया है। इसी तरह हमने थर्ड होल में 5 बार डबल क्रोशिया किया है, फिर 6 बार डबल क्रोशिया, इसी तरह 7 बार डबल क्रोशिया और 8 बार डबल क्रोशिया। इस तरह हमारी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी और ये इस तरह दिखाई देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब बेबी पायलानी चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।